राहें कठिन तो हैं मगर मगर CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करते हैं उन विशेष हस्तियों से जो अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए देश और समाज के लिए विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल हो सके और जो आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। साथियों, इस कड़ी में आज हमारे मेहमान हैं श्री निपुण मल्होत्रा। इन्होंने अपनी एक संस्था स्थापित की जो आज देश की एक प्रतिनिधि संस्था है। ये संस्था दिव्यांग लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम किशोरावस्था, सपने और समाज। प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है। CIET NCERT से मैं डॉक्टर इरम खान श्रृंखला की इस कड़ी में आपके साथ रहूंगी और मेरे साथ आज के विशेष मेहमान हैं मिस्टर निपुण मल्होत्रा। इनके साथ हम श्रृंखला की इस कड़ी में बात करेंगे। मिस्टर निपुण, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मिस्टर निपुण अब अपनी जिंदगी के कुछ खुशी के पलों के बारे में बताइए जिसमें आपको बहुत खुशी हुई, आपने कुछ ऐसा अचीव किया जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ मैं भी सब बच्चों के जैसा ही हूँ। स्कूल लाइफ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ना हमेशा हर चीज़ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता था और उसमें ज़्यादा मज़ा आता था। अच्छा। जैसे कि हमारे स्कूल में अगर स्पोर्ट्स डे होता था, मुझे पता था मैं स्पोर्ट्स डे में स्पोर्ट्स तो नहीं कर सकता बाकी बच्चों की तरह, बट मैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज बन सकता हूँ या वेलकम एड्रेस दे सकता हूँ। तो मैं हमेशा तरीका ढूंढता था हर चीज़ में इन्वॉल्व होने में। और हर स्टूडेंट के अगर माँ बाप ऑडियंस में बैठे हैं और उनके सामने मैं भाषण दे रहा हूँ तो एज अ 12-13 साल के स्टूडेंट के लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो उन चीज़ों से मेरे को बहुत खुशी होती थी। अगर स्कूल में कोई प्ले होता था उसमें अगर मेरे को सेट में कोई छोटा सा रोल मिल जाए या कुछ भी, तो कि मैं पूरा इन्वॉल्व हो पाऊँ, तो मेरे ख्याल से हर चीज़ में पार्टिसिपेट करके मुझे खुशी होती थी। आपको हेजिटेशन नहीं होता? मेरी खुशी उसी में है कि मैं पार्टिसिपेट हूँ। अगर मैं घर पे टीवी के सामने बैठा रहूँ मेरी उसमें खुशी नहीं है, बाहर जाके लोगों को मिलूँ, पार्टिसिपेट करूँ या एग्जाम टाइम में। ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि जिन बच्चों को थोड़ी सी भी डिसेबिलिटी है वो साइडलाइन सा महसूस करते हैं खुद को। तो इंक्लूजन का एक ये बहुत अहम पहलू है कि हम सबसे पहले उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाएं, उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करें, बिल्कुल उनको ऐसा एहसास ना कराएं कि उनके अंदर कोई कमी है। उससे क्या होगा कि उन बच्चों को एक तो वो मोटिवेट होंगे और उन्हें ऐसे लगेगा कि ये सब मेरे दोस्त हैं, फिर वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करेंगे और साथ ही वो अपनी पढ़ाई में अपने जो बाकी के अचीवमेंट्स हैं उनको भी नॉर्मल तरीके से कर पाएंगे। तो इट्स वेरी गुड आपने ये जो बताया कि आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसे ही हिल रहा बिल्कुल है। कि खाली पढ़ाइयों की टेक्स्ट बुक की पढ़ाई नहीं करवा रहे पर प्रैक्टिकल एजुकेशन हो रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंकरेज हो रही हैं। आजकल वही स्कूल रेट किए जाते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी इंकरेज करते हैं। तो मेरा यही सोच है कि अगर सबने देश और दुनिया के जितने भी एजुकेशन एक्सपर्ट्स है उन्हें रियलाइज कर लिया कि खाली किताबों की पढ़ाई से इंसान की माइंड पूरी डेवलप नहीं होती बट आगे की लर्निंग से भी होती है, तो मेरे ख्याल से जरूरी है कि वही अपॉर्चुनिटीज जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी दी जाए। अगर बाकियों के लिए एक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट में कंसंट्रेशन हो रहा है स्कूलों में, तो ये ना है कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका खाली बस स्कूल आए, क्लास अटेंड करें, एग्जाम लिखे और वो निकल जाए, क्योंकि उनकी फिर पूरी वो डेवलपमेंट नहीं होगी। इसमें फर्स्ट पहले तो मतलब स्कूलों को एफर्ट लेना है, पर मेरे ख्याल से जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक एफर्ट लेना है कि जिंदगी आसान नहीं है, दिक्कतें हैं, और अगर आप डिसेबल्ड हो तो आपको और भी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, पर आप कभी मायूस ना हो और पुश करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने स्कूल लाइफ में अपने आप को डेवलप करोगे उतना ज़्यादा जब आप स्कूल से बाहर निकलोगे और एक नॉर्मल वर्ल्ड में जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। निपुण, आपके इस बात पे मुझे एक शेर याद आ गया, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वाह वाह, शुक्रिया। इस शेर का जो मतलब है उसके हिसाब से अगर किसी दिए के अंदर स्ट्रेंथ है तो वो तेज़ हवाओं को भी झेल जाता है और अपनी रोशनी को कायम रखता है। उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि आपकी जिंदगी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह की दिक्कत से दो चार होते हैं।
अगर ऐसे ही किशोरों के हौसले और हिम्मत के साथ हमारे स्कूल, हमारा समाज भी जुड़ जाए और अपना पूरा सहयोग दे, तो हर किशोर आपकी तरह कामयाबी के नए आसमान छू सकता है। आप हमारे बीच आए और आपने अपनी किशोरावस्था से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों, अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जिंदगी आसान नहीं है, दिक्कतें हैं, और अगर आप डिसेबल्ड हो तो आपको और भी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, पर आप कभी मायूस ना हो और पुश करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने स्कूल लाइफ में अपने आप को डेवलप करोगे, उतना ज़्यादा जब आप स्कूल से बाहर निकलोगे और एक नॉर्मल वर्ल्ड में जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। किशोरावस्था, सपने और समाज। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर एरम खान, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी, निर्माण एवं निर्देशन अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।